प्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की कर्मस्थली माना जाता है, लेकिन अब उनकी कर्मस्थली को उनके सांसद पुत्र वरुण गांधी संभाल रहे हैं। वरुण गांधी दूसरी बार पीलीभीत सीट से सांसद चुने गए हैं। वरुण गांधी का आज 13वां जन्मदिन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का साल 1983 से पीलीभीत से जुड़ाव रहा है। हालांकि उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव 1989 में इसी सीट से लड़ा था, जिसके बाद पीलीभीत जिले को उनकी कर्मस्थली के तौर पर माना जाता है। साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी परंपरागत पीलीभीत संसदीय सीट से अपने पुत्र वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारा था। इस चुनाव में वरुण गांधी रिकॉर्ड मतों के अंतर से सांसद चुने गए थे, जबकि मेनका गांधी अम्बला सीट से सांसद चुनी गई थी। लेकिन साल 2014 में वरुण गांधी ने सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ा, जबकि मेनका गांधी ने पीलीभीत सीट से सांसद चुनी गई। साल 2019 में वरुण गांधी फिर पीलीभीत से सांसद चुने गए। वरुण गांधी अब एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर अपनी मां की कर्मस्थली को सहेज रहे हैं। वो मेनका गांधी के खास समर्थकों के साथ लगातार संपर्क साध रहे हैं, वहीं पार्टी संगठन के साथ भी बेहतर तालमेल स्थापित कर रहे हैं। पिछले कुछ भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान वरुण गांधी ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ आम कार्यकर्ताओं से भी सीधा संवाद किया। वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से संपर्क कायम रखने के लिए हर महीने भ्रमण पर जाते हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के मीडिया प्रवक्ता MR मलिक ने बताया कि वरुण गांधी अपना जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे। साथ ही वो आज के दिन अपने जन्मदिन के अवसर पर शहर के टनकपुर हाईवे स्थित संसदीय कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थक के साथ अपना जन्मदिन का केक काटेंगे, फिर वहां पौधारोपण करेंगे। इसके बाद जिला अस्पताल में रोगियों को फल वितरित भी किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।